Good morning, student. How are you? Today I am going to teach you English essay on my class teacher. Students, my class teacher pe essay padhane se pehle main unka main point likhwaungi. Jisse pehle aap wo main point yani ki word meaning yaad kar le taki uski madad se आपको माय क्लास टीचर पे ऐसे लिखने में कोई कठिनाई नहीं हो और आप जब याद कर लेंगे ऐसे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगा, वर्ड मिस्टेक नहीं होगा. स्टूडेंट, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ. बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग का 100 मार्क्स का हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, तो यही 12 तारीख को. उसमें 80 मार्क्स ऑफलाइन एग्जाम है और 20 मार्क्स ऑनलाइन एग्जाम है. ऑफलाइन एग्जाम जो 80 मार्क्स का है उसका क्वेश्चन पेपर आप ऑफिस से जल्द ले ले और उसे ऑनलाइन एग्जाम से पहले उसका आंसर शीट बना के प्रत्येक सब्जेक्ट की कॉपी अलग अलग होनी चाहिए. क्लास रोल नंबर नेम लिख के उसे जमा करवा दे. और ऑनलाइन एग्जाम जो 20 मार्क्स का है उसके लिए पासवर्ड ऑफिस से ले ले. तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी. अब मैं आप लोगों को माय क्लास टीचर पे ऐसे पढ़ाऊंगी. उससे पहले उसका जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको पहले बताना चाहूंगी. देखिए, इसका मतलब क्या होता है? एमआर मिस्टर, मिस्टर मिस होता है श्रीमान. उसके बाद देखिए हमेशा. फिर देखिए आ
रेडी मिस तैयार। HELP हेल्प, हेल्प मिस होता है सहायता करना, सहायता सहायता करना। HELP हेल्प मिस सहायता करना। STRICT स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मिस होता है सख्त, स्ट्रिक्ट मिस होता है सख्त। लाइक मिस होता है पसंद करना, लाइक मिस पसंद करना। NOISE नॉइज, नॉइज मिस होता है शोरगुल, शोरगुल। आइडियल, आइडियल मिस होता है आदर्श। आइडियल मिस होता है आदर्श। और स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट मिस होता है RESPECT, रिस्पेक्ट मिस होता है सम्मान करना, सम्मान स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट मिस क्या होता है सम्मान करना। उसके बाद देखिए क्लास मिस क्या होता है, क्लास मीन होता है वर्ग, और माय मीन होता है मेरा। लाइफ, लाइफ लिखवा चुके हैं, प्राउड लिख देते हैं, प्राउड, प्राउड मिस होता है गौरवान्वित या
गर्व। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अगर आपकी क्लास टीचर लेडी है तो आप सी लिखेंगे, अगर आपकी क्लास टीचर जेंट्स है तो आप ही लिखेंगे। सी मीन्स और ही मीन्स वो यहाँ पर सी होगा स्त्रीलिंग के लिए और ही मीन्स होगा उन्हें, स्पेलिंग आपको समझ में आती है ना, तो बोल बोल के लिखेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप क्या लिख रहे हैं वो आप समझ रहे हैं और साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा, बाद में आपको याद नहीं करने पड़ेगी। ये जो वर्ड मीनिंग है आपको तो लिखते लिखते कम से कम 10 याद ही हो जाना है, तो मैं आपको इसके रीडिंग करवा देती हूँ। याद रखिए एम आर, इसको क्या बोलते हैं, मिस्टर। मिस्टर किस होता है, श्रीमान। तो इसलिए एम आर मिस्टर मीन्स श्रीमान होता है। जब भी हम किसी पुल्लिंग का नाम लेते हैं तो उसमें मिस्टर लगाते हैं, श्रीमान। टी ई ए सी एच आर टीचर किस होता है, शिक्षक। टीचर किस होता है, शिक्षक। शिक्षक लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। टी ए डबल ए टॉल, टॉल मीन्स लंबा। तो इसलिए टॉल मीन्स लंबा। एच ई एल टी एच वाई हेल्दी मीन्स स्वस्थ। टीचर को तो स्वस्थ होना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वे स्वस्थ नहीं होंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इसका भी सेंटेंस बनाना होगा हम लोग को ऐसे में, एच ई ए एल टी एच वाई हेल्दी भी स्वस्थ। और बच्चों को भी हेल्दी होना जरूरी है, इसलिए फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड को इग्नोर करना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। टी ई ए सी एच टीच मीन्स पढ़ाना। तो स्टूडेंट आप लोग जो पढ़ते हैं उसको आप लोग स्टडी करते हैं और हम लोग जो आप लोग को पढ़ाते हैं हम लोग टीच करते हैं। टीच मीन्स पढ़ाना और रीड मीन्स पढ़ना। के आई एन डी काइंड, काइंड मीन्स दयालु। काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु। ए एल डब्ल्यू ए वाई एस ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। स्टूडेंट्स जब हम लोग ऐसे लिखेंगे माय क्लास टीचर पे तो हमें ये मेन मेन पॉइंट की बहुत ही जरूरत होगी। तो हमें जब ये वर्ड मीनिंग आपको याद रहेगा तो आपको जो सेंटेंस बनाइएगा तो उसमें स्पेलिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। आर ई ए डी वाई रेडी, रेडी मीन्स तैयार। एच ई एल पी हेल्प, हेल्प मीन्स सहायता करना। तो स्टूडेंट टीचर आपकी पढ़ाई में सहायता करते हैं ना, और टीचर काइंडली होते हैं। अगर टीचर आपको पनिश करते हैं तो वो आपके भविष्य के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए स्टिक, एस टी
डर नहीं होगा, डर नहीं होगा तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। क्या खेलने ही सिर्फ खेल भी जरूरी है लेकिन हमेशा नहीं, टाइम के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। DISCIPLINE डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स डिसिप्लिन भी होता है अनुशासन। अनुशासन तो हर जगह जरूरी है, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो। और जब आप लोग स्कूल में आते हैं तो आप लोग को फुल डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। LIKE मीन्स होता है पसंद करना। स्टूडेंट्स आपके नज़र में बहुत सारे टीचर होंगे, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, उसमें से जरूर एक ऐसे कोई टीचर होंगे जिन्हें आप ज़्यादा लाइक करते हैं, तो मुझे बताएंगे कि आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं। NISE नॉइज होता है शोरगुल। तो स्टूडेंट्स टीचर जो है, कोई भी टीचर हो चाहे आप लाइक करें ना करें, लेकिन वो शोरगुल क्लास में पसंद नहीं करते हैं। और क्लास में शोरगुल हुआ तो उन्हें पढ़ाई में पढ़ाने में दिक्कत होगी। IDEL आइडियल मीन्स होता है आदर्श। याद देखिए RESPECT रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना। स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी अपने अपने टीचर का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और आप लोग भी अपने घर में अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते होंगे, करना भी चाहिए। CLASS क्लास भी होता है वर्ग या कक्षा भी होता है। MY भी होता है मेरा। PROUD प्राउड मीन्स क्या होता है, गर्व। स्टूडेंट्स आप लोग को अपने टीचर पे गर्व होनी चाहिए, उसी को प्राउड मीन्स आप लिख सकते हैं I am proud of my class teacher या जो भी टीचर है। SHE C मीन्स होता है वह, और ही मीन्स भी वह होता है, लेकिन सी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ही पुल्लिंग के लिए। HIM हिम, हिम मीन्स होता है उन्हें, हिम मीन्स होता है उन्हें। आई रिस्पेक्ट हिम, मैं उन्हें आदर करता हूँ या मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट बार समझा देती हूँ फिर से। MR मिस्टर मिस श्रीमान। TEACH या टीचर मिस शिक्षक। TALL टॉल मिस लंबा। HELTHY हेल्दी मिस स्वास्थ्य। TEACH टीच मिस पढ़ाना। KIND काइंड मिस दयालु। ALWAYS ऑलवेज मिस हमेशा। READY रेडी मिस तैयार। HELP हेल्प मिस सहायता करना। STRICT स्टिक मिस सर। DISCIPLINE डिसिप्लिन मिस अनुशासन। LIKE मिस पसंद करना। NOISE नॉइज मिस शोरगुल। IDEL आइडल मिस आदर्श। RESPECT रिस्पेक्ट मिस सम्मान करना। CLASS क्लास मिस वर्ग। MY मिस मेरा। PROUD प्राउड मिस गर्व। SHE CC मिस वर्ग। HEE मिस वर्ग। HIM हिम, हिम मिस उन्हें। स्टूडेंट आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आए, मुझे बताएं कमेंट करके, पढ़ने में कैसा लगा मुझे बताएं। स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें ताकि मैं इसी तरह आपको, मुझे पता चले कि आप लोग को पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आगे भी आपके लिए बढ़ा के लाऊंगी वीडियो। और आप लोग को अगर मन में है कि मुझे ये पढ़ना है, मैम ने नहीं पढ़ाया, तो आप लोग बताएं, उसे भी पढ़ाया जाएगा।
थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।